यात्रियों का सफर और भी सुगम व आरामदायक बने इसके लिए भारतीय रेल निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। राजस्थान में स्थित गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके पुनर्विकास कार्य में 212 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्टेशन पर 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा जो विभिन्न सुविधाओं से लैस होगा। ये स्टेशन प्रतिदिन लगभग 59,000 यात्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज को स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 8 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, सीसीटीवी कैमरे और अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, रिसाइकलिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। वर्तमान में गांधीनगर जयपुर स्टेशन की पुरानी स्टेशन बिल्डिंग को तोड़कर नई स्टेशन बिल्डिंग के लिए खुदाई का कार्य शुरू हो गया है एवं नींव का कार्य प्रगति पर है। OFC कक्ष, LT पैनल रूम के निर्माण और पीछे की ओर के भवनों का निर्माण चालू हो गया है। ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से तो लैस होगा ही, साथ ही इसका पुनर्विकास स्थानीय विरासत को सहेजते हुए किया जाएगा, जिससे ये स्टेशन न सिर्फ यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा।